गुजारिश करनी है कि हमें एक और शायर का इस्तकबाल करना है और मैं इस वक्त एक और नौउम्र शायर को आवाज़ दे रहा हूँ। ये नौनिहाल बच्चे, ये जिनकी उम्र बहुत कम है, अभी कम उम्र में ही अपने इब्तदाई दौर में ही जिस तरह से ये अदबी तकाज़ों को सीख रहे हैं, इनके रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है और मैं इनके लिए दुआएं करता हूँ। आइए एक और शायर से मुलाकात करते हैं और गुजारिश करता हूँ जनाब सलमान तालिब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सलमान तालिब, मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद अली भाई साहब का, शमीम खान साहब का, सानू पठान साहब का, जिनका हुक्म मेरी हाजिरी। माँ के हवाले से चार मिसरे पढ़ के फिर जो वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। जैसे ही से मैं अपने जहाँ लिख रहा हूँ, आपकी दुआ मिले। जैसे ही से मैं अपने जहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ लिख रहा हूँ। जैसे ही से मैं अपने जहाँ लिख रहा हूँ, हो रही है खुशी दिल को जन्नत के जैसे, हो रही है खुशी दिल को जन्नत के जैसी, हो रही है खुशी दिल को जन्नत के जैसी। कलम जब उठा कर मैं माँ लिख रहा हूँ, कलम जब उठा कर मैं माँ लिख रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा है कि अब वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं जी। साहिब साहिब हैं बुरे कितने, बताना भी जरूरी है। साहिब है बुरा कितने, बताना भी जरूरी है। दिलों में दर्द कितना है, जताना भी जरूरी है। दिलों में दर्द कितना है, जताना भी जरूरी है। अगर गुजरात अगर गुजरात का मंजर जहन में है अभी बाकी, अगर गुजरात का मंजर जहन में है अभी बाकी, तो उस साहब को दिल्ली से हटाना भी जरूरी है। तो उस साहब को दिल्ली से हटाना भी जरूरी है। अब मुशायरी की शान में चार मिसरे जी पढ़िए। खुशियों खुशियों की पल भरे नहीं है रिहाई, खुशियों की पल भरे नहीं है रिहाई। बहुत खूब सूरत ये महफिल सजाई, बहुत खूब सूरत ये महफिल सजाई। खुशियों की पल भरे नहीं है रिहाई, बहुत खूब सूरत ये महफिल सजाई। कोई भी यहाँ अब न खामोश बैठे, कोई भी यहाँ अब न खामोश बैठे, कोई भी यहाँ अब न खामोश बैठे। शमीम भाई को सब लोग दे दो बधाई, शमीम भाई को सब लोग दे दो बधाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान ताली।